हेलो दोस्तों, शानवी पटेल के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, और फोटोशॉप में टूल्स को देख रहे हैं। तो आज का टूल देखते हैं दोस्तों, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है फोटोशॉप का। किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करना या डिजाइन बनाना इस टूल्स की मदद से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस टूल का यूज कैसे करेंगे। दोस्तों, इसका शॉर्टकट कमांड यू होता है, और ये किसी भी एक को अगर आप समझ लेते हैं तो इसमें जितने भी दिए हुए हैं सारे को समझने में बहुत ही आसानी होगा। आइए फर्स्ट टूल देखते हैं, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का दोस्तों क्या यूज होता है? इसका यूज होता है दोस्तों, किसी भी रेक्टेंगल शेप को बनाना हो तो इस टूल की मदद से आप बना सकते हैं, या स्क्वायर बनाना हो तो स्क्वायर बना सकते हैं। अगर शिफ्ट प्रेस करके बनाते हैं तो स्क्वायर बनेगा, या अगर नॉर्मल प्रेस करके बनाते हैं तो आपको रेक्टेंगल बनेगा। अब दोस्तों, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी दिए हैं। इसमें एक किसी का भी प्रॉपर्टी अगर समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो ये सारे का प्रॉपर्टी एक जैसा ही होता है। आइए देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी क्या। पहले हम इसको यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिक ये खुल के आ गया। इसको हम पहले बंद करते हैं और इसको बाद में हम समझेंगे। पहले इसके ऊपर जो दिए गए हैं प्रॉपर्टी उसको देखते हैं। हम पहले इसको डिलीट करते हैं और एक एलिप्स लेते, एक रेक्टेंगल को लेते हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमने जो ही ड्रॉ करते हैं, एक तो यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब दोस्तों, ये रेक्टेंगल बन के आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक लेयर भी नया बन गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है कि आप एक ही लेयर पे बनाना चाहते हैं या अलग अलग लेयर पे। तो हम इसको भी देखेंगे कैसे ऑप्शन को सेटिंग करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, शेप, पाथ और पिक्सल। इसमें हम क्योंकि शेप को क्रिएट कर रहे हैं तो हम शेप को ही रहने देंगे। दूसरा ऑप्शन है कलर, फिल। फिल जो यहाँ पे ब्लैक कलर फिल किया हुआ है उसको आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, जैसा चाहिए उसको कलर को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे ग्रेडियंट दिए हुए हैं, और अपने तरीके से भी अगर ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से कुछ और कलर फिल कर दीजिए। मान लीजिए हम इस कलर को फिल करते हैं, हमने इस कलर को फिल कर दिया। तो आप यहां से अपने तरीके से ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कितने एंगल पे इस ग्रेडियंट को यूज करना है ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको लीनियर चाहिए तो लीनियर आ जाएगा, एंगल चाहिए तो एंगल आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड चाहिए, डायमंड शेप चाहिए, मतलब हर तरह का यहाँ से इस जो शेप लिए हैं इसकी कलर को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, पैटर्न। पैटर्न पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैटर्न हैं। आप इसमें पैटर्न को भी फिल कर सकते हैं, ये देखिए। और ये सारे जो प्रॉपर्टी ऊपर दिए हुए हैं यहाँ पे, सारे जो टूल्स है सभी में एक जैसा ही प्रॉपर्टी है। हम देखते हैं आगे जाके। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से एक नॉर्मल कलर फिल करते हैं, यहाँ से पैटर्न को हटाते हैं और नॉर्मल फिल करते हैं। मान लीजिए हमने ये फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों, हम इस शेप के चारों ओर एक आउटलाइन देना हो। आउटलाइन देने के लिए स्टॉक का यूज किया जाता है। स्टॉक पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी देखिए कलर खुल के आ गया। कलर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हम कलर फिल करते हैं, और यहाँ से पहले जो पिक्सल को बढ़ाते हैं, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं जिससे हमको पता लगे हम क्या कर रहे हैं। हमने इसको इतना बढ़ा दिया, उसके बाद यहाँ से कलर फिल करते हैं। वही सेम जो फिल में देखे थे वही कलर यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से पैटर्न को भी फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या होगा, आउटलाइन को फिल करेगा। और अगर इसमें से नया कोई चाहिए होता है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी कलर ले सकते हैं, ये देखिए। तो ये था आउटलाइन फिल।
उसके बाद है लाइन। ये लाइन जो दिया हुआ है, आपको लाइन कैसा चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए या थिन चाहिए, और यहाँ से इसकी मोर सेटिंग है, यहाँ से और भी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हर तरह का सेटिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, इसकी मदद से आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, तो ये था लाइन का ऑप्शन, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, आपको किस टाइप से चाहिए उस टाइप से ले सकते हैं आप यहाँ से। और ये हाइट और विड्थ, ये जो है क्या होता है दोस्तों, इसको शेप की हाइट और विड्थ जो साइज होता है, ये विड्थ है और ये हाइट है। हाइट कितना, हमको विड्थ मान लीजिए 500 पिक्सल रखना है और हाइट रखना है 200 पिक्सल, तो यहाँ से इसकी साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए, इसका क्या यूज होता है, पहले हम इसको डिलीट करते हैं और एक फिर से अलग शेप लेते हैं। हम यहाँ से कुछ और कलर फिल कर देते हैं। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों ये बॉक्स है, अब यहाँ से सारे ऑप्शन, अभी देखिए न्यू लेयर है, न्यू लेयर मतलब है कि अगर हम क्लिक करेंगे हमेशा ये न्यू लेयर बनते जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं हर किसी का अलग अलग लेयर बन गया, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करते हैं कंबाइन शेप, तो ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा। मान लीजिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं, ये क्या करेगा, इसी में कंबाइन करेगा, न्यू लेयर नहीं बना के इसी लेयर में ये कंबाइन कर देगा। ये देखिए, एक ही लेयर पे बना रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए थर्ड ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप, ये क्या करेगा, ये तो कंबाइन हो रहा था लेकिन देखिए हमने इसको सेलेक्ट कर रखे थे इसलिए इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब इसमें से डिलीट कर देगा। जहां पे भी क्लिक करिए, मान लीजिए यहाँ से हमको ज्यादा ये लग रहा है, तो इसको आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। ये देखिए कम हो गया। फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन है इंटरसेक्ट शेप एरिया, ये क्या करेगा दोस्तों, जो हम एरिया को डिवाइड करेंगे उसको रखेगा, बाकी को डिलीट कर देगा। ये देखिए, इस एरिया को रख लिया, बाकी यहाँ से हट गया। उसके बाद है एक्सट्रूड ओवरलैपिंग शेप, ये देखिए ओवरलैप जो हो रहा है उसको हटा देगा और बाकी का शेप को रख देगा। ये देखिए, यहां से अगर हम करते हैं तो ओवरलैप जो हो रहा है इसको हटा दिया। ये देखिए इस टाइप से। उसके बाद है मैनेज शेप कंपोनेंट, यहाँ से आप शेप कंपोनेंट को मैनेज कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम अभी देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम इसको हटाते हैं और यहां से हम कर देते हैं न्यू लेयर। अब आगे का देखते हैं, एक हम रेक्टेंगल लिए। अब क्या है दोस्तों, हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, इस प्रॉपर्टी में सेम जो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा एलिमेंट यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक नया क्या है, आप देखिए यहाँ से इसकी आउटलाइन को ले सकते हैं, आउटलाइन का हम ले लिए यहां से। और उसके बाद यहाँ है राउंडेड कॉर्नर, ये देखिए नीचे जो दिए हैं चार ऑप्शन, यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर, अगर मान लीजिए इसको हम राउंडेड कॉर्नर करना है तो मान लीजिए इसको हम 50 कर देते हैं, देखिए ये राउंड हो गया कॉर्नर। अगर हमको एक का चाहिए, मान लीजिए इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, सिर्फ एक का कॉर्नर राउंड चाहिए तो यहाँ से एक का कॉर्नर राउंड हो जाएगा, अगर दो का चाहिए तो ये यहाँ से दो हो गया। इस टाइप से राउंडेड हो सकता है इस प्रॉपर्टी की मदद से। और बाकी जो ऑप्शन है यही है, यहाँ से विड्थ और हाइट है, यहाँ से पिक्सल जो डिस्टेंस होता है इसकी, और यहाँ से फिल कलर फिल कर सकते हैं इसमें, और यहाँ से आउटलाइन फिल कर सकते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी दिया हुआ है वही यहाँ भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसमें सेम एक डिफरेंट है सिर्फ ये राउंडेड कॉर्नर का, बाकी सेम ही दिया हुआ है। ऊपर सारे टूल में सेम ही प्रॉपर्टी का अप्लाई किया जाता है। आइए देखते हैं, हमने रेक्टेंगल टूल को देख लिया, अब राउंडेड रेक्टेंगल है, इसमें देखिए राउंड कॉर्नर जो है ऑटोमेटिक ये राउंड होता है, क्योंकि यहाँ से देखिए 10 पिक्सल किया हुआ है, इसको अगर ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो बना देते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये क्या करेगा, एक बार में चारों कॉर्नर को एक साथ बढ़ाएगा। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए सेम फील वही है, फील है, स्टॉक है, इसकी कैसा लाइन चाहिए, ये हाइट विड्थ है, और ये देखिए सेम, ये सारे प्रॉपर्टी सेम ही होता है।
उसके बाद नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट टूल है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल का मतलब होता है सर्कल बन जाएगा, गोला बन जाएगा। ये देखिए ये गोला बन गया। अब इसका भी प्रॉपर्टी देखिए, ऊपर सेम है फिल, यहां से आप फिल कर सकते हैं, यहां से आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहां से इसकी आउटलाइन की किस टाइप से चाहिए वो यहां से सेट कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ है, फिर वही टूल यहां पे दिया। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं सेम ही होता है सारे में। आगे का देखते हैं, आगे का एक पॉलीगॉन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, देखिए अभी ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन है, यहाँ पे स्लाइड है, क्योंकि ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में बहुत सारे स्लाइड हो सकते हैं। तो हम अगर पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अगर जितना भी स्लाइड बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम इसको 8 कर देते हैं, अभी क्या होगा 8 बनेगा। देखिए 8 बन गया। तो इसमें एक सिर्फ यही का डिफरेंट होता है कि यहाँ से आप इसकी स्लाइड को सेट कर सकते हैं, बाकी सेम प्रॉपर्टी है इसका भी। यहाँ से लाइन तो ले सकते हैं इसकी, यहाँ से पिक्सल बढ़ा सकते हैं, यहाँ से लाइन किस टाइप से चाहिए, और यहाँ से हाइट विड्थ है, और ये फिर वही है सब्सट्रैक्ट कंबाइन, और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अलाइनमेंट हमने नहीं बताए थे, अलाइनमेंट कैसे सेट होता है मैं आपको बताता हूँ। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का सेट होता है अगर किसी दो एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने दो एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, पहले यहां से हम कलर इसका अलग फिल करते हैं। अब क्या करेगा, इस दोनों को लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये टूल यूज होगा। ये देखिए आप सेंटर करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट से करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, बॉटम करना चाहते हैं। देखिए यहाँ से ये सब सेट होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इससे अलाइनमेंट उतना जरूरत नहीं होता है, मेन वहां से आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट हाईलाइट ही नहीं हो रहा है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ मांग रहा है, तो हम वहां से भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे का टूल है, आगे का टूल है लाइन। लाइन से तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, लाइन बनेगा। ये देखिए इस लाइन को आप कोई कलर फिल कर सकते हैं, यहां से ये देखिए। तो इस टाइप से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट टूल है कस्टम शेप टूल। दोस्तों ये बहुत अच्छा टूल यहाँ पे दिया हुआ है। कस्टम में क्या होता है, जो ही हमने कस्टम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें एक नया शेप खुल के आ गया है। ऊपर अगर देखें तो एक शेप खुला हुआ है, इसका यूज देखिए यहाँ पे बहुत सारा शेप दिया हुआ है। आपको जो भी शेप चाहिए होता है वो आप यहाँ पे लेके शेप बना सकते हैं। मान लीजिए हमको ये शेप चाहिए, ये देखिए आपको बने बनाए बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बने बनाए बहुत सारा शेप दिया हुआ है। आप जो ही शेप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए शेप बन के आ जाता है। ये देखिए जो भी शेप आपको चाहिए होता है यहाँ पे शेप बना हुआ है, आप यहाँ से शेप को ले सकते हैं इस शेप लेयर की मदद से। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखिए बहुत है बना हुआ। यहाँ फोटोशॉप में बहुत हेल्प करता है ये डिजाइन बनाने के लिए। बहुत सारा एलिमेंट आइकन बनाना है, लाना है कहीं से तो ढूंढना पड़ता है, लेकिन फोटोशॉप में यहाँ बने बनाए एलिमेंट बहुत सारा है। तो आज का टूल हमने दोस्तों देख लिया, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लगाऊं तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.